श्री राम जन्मोत्सव के समय रामलला के लिए लगने वाले 56 भोग अयोध्या पहुंच गए हैं, जो लखनऊ के एक प्रतिष्ठित मिष्ठान के मालिक ने राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को सौंप दिए हैं। रामलला के लिए व्यंजन से सजे थाल लेकर अयोध्या पहुंचे सजल गुप्ता ने बताया कि इसमें 56 प्रकार के फलाहारी व्यंजन शामिल हैं, जिसमें विशेष रूप से बादाम और पिस्ता पाक के साथ ही बर्फी और अलग अलग प्रकार की पंजीरी से निर्मित मिठाइयां शामिल हैं, जिसमें नमकीन व्यंजन को भी स्थान दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह परंपरा हमारे प्रतिष्ठान से उस समय से चली आ रही है, जब रामलला टेंट में विराजमान थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करके हमारे संपूर्ण परिवार को एक आनंदमयी अनुभूति होती है। ये परंपरा तब से है जब से प्रभु श्री राम हम टेंट में थे, तब से हमारा 56 भोग का प्रसाद प्रभु को अर्पित हो रहा है। उसके बाद हमको सौभाग्य मिला ये प्राण प्रतिष्ठा में प्रसाद लाने का महान जी के माध्यम से। इस बार महान जी का आदेश था कि रामनवमी में भी मधुरिमा का ही प्रसाद प्रभु श्री राम जी को अर्पित होगा, तो इसीलिए हम वो भी यहाँ पे लेके आए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं प्रसाद में दिए हैं? प्रसाद में जितनी भी तरीके हैं, क्योंकि महान जी का कहना था कि सब फलहारी होना चाहिए क्योंकि व्रत चल रहा है इस समय, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, मखाना पाक, सिंगाड़ा, सेव की नमकीन, पंजीरी, खोए की बहुत सी मिठाइयाँ हैं, पिस्ता बर्फी, बादाम बर्फी, बहुत से 56 तरीके के व्यंजन हैं जो सब के सब फलहारी हैं और अलग तरीके से साफ सफाई और इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के बनाए जाते हैं नवरात्र और रामनवमी के हिसाब से। ये कब से कर रहे हैं आप? ये तो काफ़ी सालों से चल रहा है, करीब ये जब से प्रभु टेंट में थे तब से हमारा प्रसाद आना स्टार्ट हुआ था, और अब हर बार भगवान के आशीर्वाद से हमको सौभाग्य मिल रहा है इसको चढ़ाने का। देखिए, इसका नाम तो 56 प्रकार से है, लेकिन इस वर्ष जो है उससे अधिक भी आ गया है, उसकी संख्या अधिक हो गई है। और क्योंकि भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा होकर के भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं और उनका जन्मोत्सव है, उस जन्मोत्सव में इतने उत्साह के साथ में ये मधुरिमा स्वीट्स लखनऊ से ये सारे सामान जो आए हैं, वह कल भगवान को 12 बजे जन्म के समय में यह इसका भोग लगेगा। भोग लगने के बाद में भक्तों को वितरण किया जाएगा, और यही उद्देश्य रहा इनके प्रतिवर्ष इस प्रकार सभी 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उससे भी इसी प्रकार से 56 प्रकार के भोग आए थे और जिसको लगाया गया था और उसको वितरण किया गया था, और इस वर्ष भी ये लेकर के आए हैं। तो बहुत धन्यवाद है इनको, और भगवान रामलला की ओर से मैं शुभकामनाएँ शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि इनकी मनोकामनाएँ पूरी हों और सदाएँ सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, और इसी प्रकार भगवान रामलला की सेवा करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएँ शुभ आशीर्वाद। महाराज जी, इस बार रामलला का उत्सव किस तरह से मनाया जाएगा? भव्य दिव्य रूप से मनाया जाएगा बहुत ही बढ़िया से, क्योंकि वो मंदिर सज गया है और सजने के साथ साथ वहाँ पर जो दृश्य दिखाई दे रही बहुत ही मनोरम है। और इस वर्ष का विशेष है कि भगवान सूर्य उस समय एक महीने तक अयोध्या में रुके थे जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ था, और यह कल जो राम जन्मभूमि है, राम जन्म के अवसर पर 12 बजे उनके लीलार पर सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा, जो ही बहुत ही मनोरम, बहुत ही अद्भुत और दृश्य दिखाई देगा। ये विशेष है।